बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन का ज़माना है, बहुत सी खबरें हैं, टिकटों की तकसीम भी हो गई, आज पार्टी निशानात भी दे दिए जाएंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बल्ला बल्ला खेला जा रहा था, यानी बल्ले के साथ मैच हो रहा था और दोनों जानिब से बड़े दलाइल दिए जा रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, उसका फैसला इस वक्त तक नहीं निकल सका जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था ये फैसला आ जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन वो नहीं आया। बहरहाल जैसे ही आएगा उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जो आपको मैं बताऊँ, कुछ अहम खबरें हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जमान पार्क में एंट्री, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी इन जमान पार्क। जमान पार्क मशहूर है, कोई मतलब भूला हुआ नहीं किसी से, बड़ा अहम तारीखी अब तो हो चुका है। अच्छा, फिर बल्ला नहीं बल्लेबाज वो जनाब पुठियाँ पै गई हैं। ये क्या केस है ये भी बताता हूँ आपको। प्लान बी तहरीके इंसाफ का लगता है वो भी लगा गया जी, यानी मामला नहीं बने। लॉन्ग ग्वाचे के बाद अंगूठी ग्वाच गई, ये क्या मसला है ये भी आपको मैं बताऊँगा। और बैरिस्टर गौहर खां के घर पुलिस गर्दी, यानी पुलिस का छापा, पुलिस का हमला, क्यों, ये सारी चीज़ें आपसे वजाहत के साथ बताऊंगा बड़ी तफसील के साथ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़िम, पहली बात बिलावल भुट्टो जरदारी जमान पार्क, बज़ाहिर तो वो गए थे इतराज़ अहसन और उनकी बेगम बुशरा अहसन के साथ ताज़ियत के लिए, अचानक गए बगैर किसी प्लान के। लेकिन बहरहाल उनके पुराने ताल्लुकात हैं और उनके तो अंकल हैं इतराज़ अहसन, वो फैमिली जो है उनकी पुरानी है, लिहाजा उनका जाना बनता था। लेकिन दर पर्दा लोग ये कह रहे हैं कि ये भी कोई सियासी मामला है, यानी पीटीआई के साथ कोई तय हो रहा है कि जनाब सेंट्रल पंजाब में कोई मामला जो है आपस में किसी तरह तय कर ले और मिल के खेला जाए। याद होगा आपको पहले भी जरदारी साहब ने कहा था कि कोई ऐसे नहीं, सियासत में सब कुछ चलता है, किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है। और फिर आपने इत्तेहादी हुकूमत में भी देखा कि जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थी जमातें, वो सब इत्तेहादी होके और हुकूमत बन गई थी। बहरहाल ये चाल उसकी लगती है या नहीं, चंद दिनों में ये भी पता लग जाएगी। अब बल्ला नहीं बल्लेबाज, ये अचानक प्लान टू आया, यानी प्लान बी, कि अगर बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। तो टिकटें दो दो जारी की गई थी और उनको कहा गया था कि जनाब आप जाके, बाकायदा ट्वीट भी हुई और ईमेल भी दी गई कि जनाब तमाम उम्मीदवार जो हैं जिनको दो दो टिकटें जारी की गई थी, एक तो तहरीक इंसाफ की और एक दूसरा ये, तो ये जो है जो खाली थी जिस पर नाम नहीं लिखा था उस पर लिख के दे दें, तहरीक इंसाफ नज़रियाती, यानी पी टी आई एन, मुस्लिम लीग एन तो थी उसके मुकाबले में पी टी आई एन, अच्छा ये थी ये दे दें। अब वो प्लान क्या हुआ, उसमें यह था कि उनकी बातचीत हो गई, किससे हो गई, जो अख्तर इकबाल डार हैं जो चेयरमैन है नजरियाती के, ये पुराने तहरीक इंसाफ के साथ ही इमरान खान को लाहौर में जो अक्टूबर में एक जलसा हुआ था ना बड़ा तारीखी, उसके ये मुंतजिम भी थे। लेकिन उसके बाद इनको नाराज़गी हो गई थी कि इन्होंने कहा कि जो लोग दाएं बाजे थे ना वो इसमें आगे घुस गए और सब करप्ट है। आज भी उन्होंने यही एक बयान दिया कि जनाब चोरों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, तो बल्ला नहीं मिले तो ना मिले तो बल्लेबाज भी नहीं उन्होंने मिलेगा। हालांकि इमरान खान तो खुद भी बल्लेबाज इंटरनेशनल थे और बाकायदा ऑलराउंडर, तो बल्लेबाज उनका है, उनका तो बल्लेबाज ही सूट करता था, लेकिन उन्होंने बल्ला लिया था। अब बल्ला तो हाथ से निकल गया, इसलिए कि उनके वकला की टीम जो है अजीब व गरीब अंदाज में खेल रही है और ज़बरदस्ती के नॉन इशू को इशू बनाती रही, लिहाजा कहीं से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। और ऐसे ही लग रहा है जो समाप्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी ऐसे लग रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं, यानी अली जफर साहब जो है उन्हें भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे, गौहर जो खान साहब जो हैं जो नामजद चेयरमैन है वो भी जवाब नहीं है। मुख्तलिफ सवालात, तीन रुकनी बेंच था जिसमें मोहम्मद अली मजहर थे, मुसर्रत हिलाली और फिर काजी फायज साहब, तो काजी के भी सवालात की बौछार होती थी और दोनों जजों के भी, लेकिन वहाँ से जवाब जो मिला वो मुतमईन नहीं कर सके किसी मामले में भी। क्यों, कि बात ये थी कि जो गुज़श्ता रोज़ के दलाइल थे वो भी ऐसे ही थे, फुसफुसे थे, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए थे,
फिर ये कहते कल जवाब देंगे, तो कल के आज जब आई तो आज बड़ी लंबी चौड़ी हुई, लेकिन हुआ क्या, वो जो न्याजुल्ला न्याजी साहब जो थे वो खुद भी वकील हैं, वो भी काजी से झगड़ पड़े जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे यानी इनके इंटरा पार्टी के, तो वो कहते ये हमारे साथ ही ज्यादती हो रही है और हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है और बड़ा फिर। लेकिन अली जफर ने मामलात को ठंडा करने के लिए माजत भी की और कहा कि ठीक है हमसे कुछ गलतियाँ हुई, दुरुस्त अंदाज में इलेक्शन नहीं हो सके, नहीं हुए, लिहाजा ये मामलात हैं तो आज ये दिन देखने पड़े। लेकिन न्याजुल्ला न्याजी बहुत बरसे, बहुत गरजे और शोर मचाया, जिसके लिए अली जफर को माजरत करनी पड़ी। अच्छा उन्होंने कहा कि जब मिसाल के तौर पे ये जो अकबर एस बाबर थे, तो अगर ये इनको निकाल दिया गया था, ये बारी मेंबर नहीं है, तो इसके कोई सबूत दे दें, कोई सबूत नहीं मिला। फिर बाकी मामला में भी किसी जगह पर भी कोई चीज़ नहीं, फंड्स के हवाले से या फीस के हवाले से या नॉमिनेशन फार्म के हवाले से किसी किस्म का कोई ख़ास जवाब नहीं मिल सका, लिहाजा मामला जो है वो गड़बड़ी लग रहे हैं। लेकिन सारा दिन रही और ऑन कैमरा भी, मतलब यानी लाइव भी रही, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मसाइल हुए, जो कुछ भी सवालात हुए, जो कुछ भी जवाबात हुए, वो पूरी कौम ने देखा। उसमें यही लग रहा है कि नहीं, बल्ला तो हो गया जी, पार्टी भी हो गई, अब सब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा प्लान भी यही था कि किसी दूसरी पार्टी पर, तो कहने वाले ये बता रहे हैं, बल्कि ज़रा ये बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि उनका मुआहदा मौलाना शीरानी से भी है, यानी वो JUI शीरानी ग्रुप जो है उससे भी है, तो उनके भी टिकट पे ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन फिर कानूनी नुक्ता ये है कि जनाब जब आपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो आपने लिखा हुआ है कि किस पार्टी के आप हैं, तो एक वक्त में दो पार्टी का बंदा मेंबर नहीं हो सकता। आपने PTI शो किया हुआ है, या तो उसमें शो ना किया होता तो फिर तो बात ही, या वो कागज़ वापस ले लिए गए होते अपने महदूद टाइम के अंदर, मुद्दत के अंदर, बाद में आप दूसरे कागज़ जमा कराते निशान के लिए। तो ये मामला इसलिए गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं है भी। अच्छा एक फैसला हुआ था, बुशा बीबी की जानिब से कहा गया था कि बल्ला नहीं तो अंगूठी बड़ी सूट करेगी, अंगूठी उनको बहुत अच्छी लगती है, ये उनको सूट करती थी और अंगूठी का आपको पता बड़ा मसला बना था। तो वो मुसर्रत नज़ीर साहब तो गाना गाती थी ना, मेरा लॉन्ग गुआचा, तो अब अंगूठी भी गुआच गई इस इलेक्शन में, अंगूठी गुआच गई, तो अब देखें वो अंगूठी से भी गए। अगली बात ये है कि बैरिस्टर गौहर के घर जो है वो बाकायदा पुलिस गद्दी हुई, तो दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट में गौहर साहब परेशान हुए और भाग के वो घर गए, तो पता लगा कि उनकी बीवी और बेटा वहाँ मौजूद था और पुलिस की चार डाले वहाँ आए और उन्होंने तोड़फोड़ भी की, मतलब पूरा दबाव डाला, क्या किया क्या नहीं किया। तो फाजी फायर साहब को जब पता लगा, जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ये हुआ, उन्हें फौरी तौर पर IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा। तो IG साहब ने आकर कह दिया राम चौकी जी हमें इत्तला मिली थी कि इश्तिहारी वहाँ कुछ हैं, तो हम उनको ढूंढने गए थे लेकिन वो नहीं मिले। ये एक पुलिस का रवायती सा एक बहाना है, जिसके घर जाते हैं जहाँ चादर और चार दीवारी की उनको पामाल करते हैं, वहाँ उनके पास यही इल्ज़ाम होता है कि हमें पता लगा था वहाँ जराइम पेशा थे, वहाँ को मुजरिम थे, हम उन्हें पकड़ने गए थे, अब वहाँ इश्तिहारी थे। बहरहाल जी मतलब उन्होंने कहा नहीं, काजी साहब ने उनको शकीदानी कराई गौर खान को कि आप फिक्र ना करें, इसकी बाकायदा तहकीकात करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। बहरा ये हुआ और ये इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए कम है। अब मामला क्या है, मामला ये है कि कुछ लोगों को टिकटें जारी हो गई, कुछ लोगों को टिकटें नहीं जारी हुई, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो PTI के हैं, तो सबके मामला जो है तनकीद का निशाना बन रहे हैं। ताहम एक आध दिन में ये शोर भी ख़त्म हो जाएगा, ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ जो है काफिला रवा दवा है सियासतदानों का, देखना ये कि होता क्या है। सेंट्रल पंजाब में क्या PTI और पीपल्स पार्टी का इतिहाद बन जाएगा कि वहाँ से कुछ सीटें निकाल लें, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत लगती है। ताहम कोशिश सबकी जारी है, जैसे लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी आए और बाकायदा आड़े हाथों ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, बातें भी वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें भी हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, और वो अपना वोट बैंक जो है उसको घर से निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो बात की बात है, ये तो इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि उनके वर्कर्स ने कितना काम किया कितना नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल तो तैयारियाँ पूरी हैं और मामला जो है इसी तरह चल रहे हैं। बात यही है कि अब क्या होगा। अब कहने वालों ने कहते हैं कि कप्तान ने चौका मारा था ये बल्लेबाज वाला, यानी लेकिन वो बल्लेबाज वाला मामला भी बनता नहीं लग रहा। क्यों, कि वो जो उसके चेयरमैन है ना, यानी उस पार्टी के नज़रियाती ग्रुप के,
जो कि 2018 में भी जिन्होंने टिकटें भी कुछ जारी की थी और इलेक्शन भी लड़ा था, तो लेकिन सूबाई और कौमी सब मिला के चंद हज़ार वोट उन्हें मिले थे। अब देखे वक्त कि उनके पास इन्हें जाना पड़ गया जिनको इन्हें धुतकारा हुआ था, तो लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरा वक्त है। चाहे आप इसे दबाव समझें, चाहे कुछ और समझें, चाहे सियासी हालात समझें, उसमें उन्होंने अख्तर इकबाल डार ने सफ़ेद झंडी दिखा दी, साफ झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा पाजी नहीं, सफ़ेद सुलह के लिए होती है, लेकिन सुलह है, सियासत में लड़ाई नहीं होती। मैं नज़रियाती लड़ाई है तो नज़रियाती ग्रुप है, मैं चोरों लुटेरों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सब चोर है। दूसरी जान शेख रशीद भी बहुत नाराज़ है कि उनको टिकट नहीं मिली, तो वो कह रहे देखे मैं असली था नस्ली था और मैं तो साथ खड़ा रहा, डटा रहा, ना मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया, ना मैंने बुशा बीबी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन मुझे उन्होंने टिकट नहीं दी। कहने का मकसद ये कि मैं तो असली नस्ली था, पर भाजी उधरों खोट निकल गया, उनकी करिए। बहरहाल आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि इलेक्शन में शेख साहब को अपनी एक सीट भी मिलती है कि नहीं, दूसरी से वो दस्तबरदार हो गया और भतीजे को भी फारिग कर दिया गया है, लिहाजा वो भी फारिग है। अब फुलंद रावलपिंडी कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और लगता ये है कि उनकी ये सीट भी आपकी जाती नज़र आ रही है। बहरहाल आज इतना ही कुछ, फिर मिलेंगे नए अनुमान के साथ, नए मौजू के साथ, नई आगाही के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक कीजिए। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।